आईपीएल 2020 में ऐसी होगी केकेआर की प्लेइंग 11, बदल गई ओपनिंग जोड़ी, शामिल हुआ खतरनाक गेंदबाज। नमस्कार। आईपीएल 2020 शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है, ऐसे में आईपीएल के 13वें सीजन में सभी टीमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आईपीएल की दो बार चैंपियन रही दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का पिछला प्रदर्शन औसत रहा है। अब इस साल कोलकाता की टीम आईपीएल ऑक्शन में पैट कमिंग और इयान मॉर्गन जैसे खिलाड़ी को खरीद कर आईपीएल खिताब जीतना चाहेगी। पिछले साल पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर रही कोलकाता की टीम आईपीएल 2020 में अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने क्रिस लीन को रिलीज कर दिया, वहीं अब उनके स्थान पर बतौर ओपनर बल्लेबाज सिद्धेश लॉर्ड को मौका मिल सकता है। वह शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। मिडल ऑर्डर में नीतीश राणा, इयान मॉर्गन और कप्तान दिनेश कार्तिक टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, तो वहीं आंध्र सेल और सुनील नारायण फिनिशर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बतौर तेज गेंदबाज टीम में पेंट कमे, संदीप वॉरियर और कमलेश नागरकोटी को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, तो वहीं कुलदीप यादव प्रमुख स्पिनर के रूप में नजर आ सकते हैं। आईपीएल 2020 में कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11 सिद्धेश लॉर्ड, शुभमन गिल, नीतीश राणा, इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंध्र सेल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, संदीप वॉरियर।